नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम रीट साइकोलॉजी पार्ट टू में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर में हम रीट साइकोलॉजी एडुकेशन साइकोलॉजी के टॉप थर्टी क्वेश्चन करेंगे और थर्टी में से आप लोगों का फीडबैक क्या है आप लोगों के स्कोर क्या है आइए जानते हैं और इसके पहले पार्ट पा, वन जो है साइकोलॉजी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कल तो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और 125 प्लस का स्कोर बेटर करना चाहते हैं क्योंकि इससे जो कम स्कोर है आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता इससे ही बेटर कर सकते हैं तभी सिलेक्शन दिला सकता है और सिलेक्शन पाने के लिए बेहतरीन प्रिपेशन के साथ अपनी पकड़ जो है एग्जाम में मजबूत करने के लिए क्वेश्चन के अधिकतम आंसर को सही करने के लिए आप लोग डेली क्लासेज विजिट करते रहिए आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है जेम्स ब्रूनर गैनर टालमैन या थान्डाइक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है सभी कमेंट कीजिएगा देखिए श्रृंखला अधिगम का जब भी जिक्र होता है गैने महोदय का नाम सरोवरि लिया जाता है तो श्रृंखला अधिगम का संबंध किससे हो जाता है गैने महोदय जी से होता है गैने मनोवैज्ञानिक से हो जाता है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है थांडाइक के सिद्धांत जो है माना जाता है संज्ञानवाद का समाजवाद का संयोजनवाद का सहचरवाद का देखिए जब भी थंडाइक का जिक्र होता है संबंधवाद का सिद्धांत प्रयत्न भूल का सिद्धांत त्रुटि उद्दीपन क्रिया का और संयोजनवादी का सिद्धांत माना जाता है ठीक है तो संयोजनवाद का जिक्र हुआ है अर्थात हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे थांडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थांडाइक ने दो प्रमुख नियम दिए थे एक था मुख्य नियम जिसमें आपके तीन आते हैं अभ्यास तत्परता प्रभाव या परिणाम का नियम दूसरा मार आता है गौर नियम में पांच आते हैं बहुप्रत क्रिया मनोवृत्ति आंशिक क्रिया आत्मक्रिया और साचर क्रिया का ठीक है तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यरी बहने गृहिणी जिनका सपना है एक ही बार में टीटी एग्जाम को गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना मैं आपके साथ जयसवाल सर प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ साथियों तीसरा प्रश्न है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा होता है यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंद होता है आपसे संबंधित कारक कौन होगा इच्छा शक्ति होगा अभ्यास होगा तत्परता होगा या प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे सभी कमेंट कीजिएगा तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित जो कारक हो जाता है वह कहलाता है प्रस्तुतिकरण फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षार्थी से संबंधित अगर पूछा जाता है तो शिक्षार्थी से संबंधित परिपक्वता सीखने के लिए तत्परता प्रेरणा स्वधारणा और लक्ष्य होता है शिक्षक से संबंधित जो होता है शिक्षक का व्यक्तित्व विषय वस्तु पर महारत संचार शिक्षक की नेतृत्व शैली शिक्षार्थियों के साथ शिक्षक के पारस्परिक संबंध और शिक्षण शैली इसके बाद कार्य संबंधित भी पूछे जाते हैं तो उपयोग की गई विधियाँ कार्य की प्रकृति शिक्षण सहायक उपकरण और अनुशासन की संरचना और पर्यावरण से संबंधित दो होते हैं एक भौतिक वातावरण जिसमें जलवायु और आपका आता है और दूसरा होता है कक्षा की सामाजिक जिसमें भावात्मक जलवायु आती है तो ये चीज़ें आपने जान लिया कि अधिगम प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित विद्यार्थी से संबंधित कार्य से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित हमने जान लिया आइए बात करते हैं फोर्थ प्रश्न की सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है यह कथन आपका संबंधित है तत्परता के नियम प्रभाव के नियम अभ्यास का नियम उपरोक्ष भी और आपको पता है अक्सर जो है आपके साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान पेडोलॉजी में शिक्षा शास्त्र में प्रश्न जरूर आता है ठीक है ये तीनों से उदाहरण एक जरूर आएगा तत्परता प्रभाव अभ्यास तीनों से कोई एक उदाहरण पूछा जाएगा जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है किसका उदाहरण तो ये प्रभाव के नियम पर हो जाता है ठीक है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवा प्रश्न के निम्नकित में से कौन का सा कारक व्यक्तित्व विभिन्नताओं का कारक नहीं होता है अनुवानसिकता वातावरण भाषा या प्रजाति देखिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ऐसा कारक जो व्यक्तित्व भिन्नताओं का कारक होता है वह आपका अनुवंशिकता वातावरण प्रजाति कहलाती है लेकिन व्यक्तित्व भिन्नताओं का जो भाषा है वह कारक नहीं होती है ठीक है अनुवांशिकता वातावरण प्रजाति होती है अगला व्यक्तित्व एवं बुद्ध से वंशानुक्रम में कई भूमिका होती है नाम मात्र की होती है महत्वपूर्ण होती है आकर्षक भूमिका होती है या अपूर्व वानवीय भूमिका होती है तो व्यक्तित्व एवं बुद्ध में जो वंशानुक्रम क्रम की कई भूमिका होती है वह कैसे होती है महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे सातवां प्रश्न दिया कि मानसिक थकान का लक्षण क्या होता है शरीर में दर्द होना तेज व कठिन श्वास आना आसमान व्यवहार या ध्यान का केंद्रित ना होना सभी बताइएगा तो मानसिक थकान का जो लक्षण कहलाता है वह ध्यान का केंद्रित ना होना अगर मानसिक लक्षण आ रहा है मतलब ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित नहीं होता है ठीक है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की भगनाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या होता है असंगत आवश्यकताएं मानसिक संघर्ष परिस्थिति या नैतिक आदर्श की बात करेंगे तो भगनाशा का सबसे बड़ा जो आंतरिक कारण होता है आंतरिक कारण वह होता है परिस्थिति ना होके मानसिक संघर्ष होता है क्योंकि मानसिक संघर्ष क्या होता है एक आंतरिक हमारा कारण हो जाता है भगनाशा का तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है देखिए बालक के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और बालक के व्यक्तित्व को ऐसा प्रकार बताना जो अधिगम को सर्वाधिक जो है प्रभावित करता हो प्रतिनिम त्रुटि का अधिगम अनुकरण का अधिगम अंतरदृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशात्मक अधिगम की बात करेंगे तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता तो वह होता है अनुदेशात्मक अधिगम ठीक है बालक का जो अनुदेशात्मक अधिगम होता है वह अधिगम का अधिक प्रभावित करता है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया रोडोल्फ गाल का गिलफोर्ड स्क्नर या ईपी पालाव की बात करें तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले और कोई नहीं आपके सभी लोग जानते हैं समझते हैं आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता है आप सभी लोगों को जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम मींक लाभ चिंतावाद एनर्जी बरकरार है आपके सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है आपकी एनर्जी आपकी प्रेरणा बरकरार है अभी प्रेरणा उत्पन्न हो रही है एनर्जी दोगुनी होती जा रही है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सरोपरि है तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले और कहीं नहीं रूडोल्फ गोलकॉय की बात करेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए मनोविज्ञान जो शब्द है दो ग्रीक शब्द से एक साइक और लोगोस से बना हुआ है साइक का अर्थ होता है आत्मा या जीवन और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात व्याख्या या आत्मा का अध्ययन होता है महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो यहाँ पर पूछे जाते हैं मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग अक्सर जर्मन विद्वान दार्शनिक रूडोल्फ गोलकॉय ने दिया जाता है जिन्होंने पंद्रह सौ नब्बे में मनोविज्ञान मनुष्य की पूर्णता जन्म आत्मा के बारे में इनको जो है प्रकाशित किया था मनोविज्ञान अंतिम विशेष विज्ञानों में से एक था जो उन्नीसवी शताब्दी में दर्शन से अलग हुआ अंग्रेजी में इस शब्द को प्रभावशाली शुरुआत उपयोगकर्ताओं में से एक हर्बर्ट स्पेंसर थे इन्होंने 1870 में मनोविज्ञान के अपने सिद्धांतों का पहला खंड जो है प्रकाशित किया इस प्रकार यह निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि रोडोल्फ गॉल का सर्वोथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्तों बालक के प्राकृतिक विकास पर किसने बल दिया है मॉन्टेंसरी ने आपके सोग्यून ने बर्क ने या बिनेट ने दिया था तो बालक के प्राकृतिक विकास पर बल देने वाले और कोई नहीं है सभी लोग जानते हैं मारिया मॉन्टेंसरी की बात करेंगे मॉन्टेंसरी पद्धति की बात करेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न जीन प्याजे जी के अनुसार चार से लेकर आठ माह में कौन सा संगनात्मक विकास होता है जी हाँ साथियों हाथ मुँह हाथ मुँह संबंधन आँख हाथ संबंधन प्रतिक्रिया क्रिया या बोलना शुरू होता है तो पी, पी जी के अकॉर्डिंग चार से आठ माह में संगनात्मक विकास में बच्चा जो है आँख हाथ का संबंधन शुरू हो जाता है विकास होता है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आँख और हाथ की बात करें अगला प्रश्न है बाल अपराधियों को सुधारने की सबसे पहले जो है बाल बंदी गृह की स्थापना की गई न्यूजीलैंड में न्यूयॉर्क में नॉर्वे में या नाम्बिया में की गई थी तो बाल अपराधियों को सुधारने की सबसे पहले बाल बंदी गृह की स्थापना आपके कहाँ पर की गई थी सभी लोग जानते हैं हम बात करेंगे न्यूयॉर्क पर की गई थी अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की जो प्रक्रिया का परिणाम नहीं होता है तो आप जानते हैं अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम ज्ञान होता है संकल्पना होता है अभिवृत्ति होता है लेकिन अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम परिपक्वता नहीं होता है ज्ञान संकल्पना और अभिवृत्ति होता है नोट कर लीजिएगा अगला तुतलाना एक विकार होता है ध्वनि संबंधी का उच्चारण संबंधी का भाषा संबंधी का या प्रवाहशीलता का होता है सभी कमेंट कीजिए तो तुतलाना जो एक विचार होता है वह किसका विचार हो जाता है वह उच्चारण संबंधी हो जाता है जी हाँ तुतलाना हकलाना किस प्रकार का विकार है उच्चारण संबंधी विकार हो जाता है अगला प्रश्न मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है किसने कहा है सुकरात ने अरस्तु ने प्लेटो ने या एविंग हास की बात करेंगे तो मनोविज्ञान का इतिहास तो बहुत छोटा है लेकिन इसका अतीत बहुत लंबा है किसने कहा एविंग हास की बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे आई होप आप सभी प्यारमित अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कर रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का आप लोग यहाँ पे अपना अपना फीडबैक स्कोर जरूर अवश्य कमेंट कर रहे हैं मनोविज्ञान में संप्रदाय कितने हैं जी हाँ पाँच हैं छः हैं सात है आठ सभी लोग बताइए देखिए मनोविज्ञान में वैसे तो पाँच मुख्य संप्रदाय हैं लेकिन ये टोटल अब गिनती में देखा जाए तो सात संप्रदाय हो गए कौन कौन से हाँ ये जानते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे एक होता है संरचनावाद सन्रुष, प्रयोगात्मक की बात करेंगे प्रकारवाद या कारवाद की बात करेंगे व्यवहारवाद की बात करेंगे गिस्टाल्ट मनोविज्ञान समग्र आकृतिवाद या अभियावास संप्रदाय की बात करते हैं मनोविश्लेषण की बात करेंगे साहचरवादी संप्रदाय की बात करेंगे और प्रेरिकी या प्रयोजनवादी संप्रदाय की बात करेंगे जिनके प्रवर्तक विलियम मैकडूगल जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं बालक की दमित इच्छाएं कैसे मन में जाती हैं अचेतन मन में चेतन मन में अर्धचेतन में या उपरोक्त सभी में जाती हैं देखिए कोई भी बालक होता है उसकी जो दमित इच्छाएं होती हैं कहीं ने अपनी जो इच्छाएं वो दबा के रखता है किसी को शेयर नहीं करता ना ही किसी को बताता है जो बात आप किसी से शेयर नहीं करते बताते तो कहीं ना कहीं कहते हैं अपने अंदर दबा के रखता है तो दमित इच्छाएं जो मन में होती हैं तो बालक के कौन सा मन कहा जाता है ऐसे मन को अचेतन मन कहा जाता है ठीक है तो बालक की दमित इच्छाएँ कैसे मन में जाती हैं अचेतन मन पर जाती हैं अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का जो प्रारंभ होता है किससे होता है आवश्यकता से होता है चालक से होता है उद्दीपक से होता है या प्रेरक से होता है सभी कमेंट कीजिए। साथ ही की बात करेंगे तो अभिप्रेरणा का जो प्रारंभ होता है वह किससे होता है वह चालक से होता है क्योंकि हमारे अंदर जो मोटिवेशन होता है वह किस प्रकार होगा कोई ना कोई क्रिया होगी तो यहाँ पे चालक की बात करेंगे तो अभिप्रेरणा का जो प्रारंभ है वह चालक से ही होता है अगला प्रश्न स्क्रीन पर है अभिप्रेरणा को समाप्त करने वाला शब्द क्या होता है चालक होता है उद्दीपक होता है समायोजन होता को है प्रेरक होता है देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन बात किया कि अभिप्रेरणा को शुरुआत करने वाला चालक होता है तो यह तो समाप्त करने वाला नहीं हो सकता है तो अभिप्रेरणा को शुरुआत करने वाला चालक होता है और समाप्त करने वाला क्या होता है समायोजन होता है ये भी आपको ध्यान देना है शुरुआत चालक से होती है और समाप्त समायोजन से हो जाती है अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से प्रभावित नहीं करती है बुद्धि नहीं करती है अधिगम नहीं करता है संयोजन नहीं करती है या व्यक्तित्व की बात करेंगे देखिए अभिप्रेरणा को अगर प्रभावित की बात करें तो बुद्धि करती है अधिगम करती है संयोजन करती है लेकिन अभिप्रेरणा का जो व्यक्तित्व जो है प्रभावित नहीं करता है बुद्धि अधिगम संयोजन करता है व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित नहीं करता है आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की व्यक्तित्व नहीं होता है परिवर्तन परमार्जित गतिशील या स्थाई देखिए व्यक्तित्व की बात हो रही तो व्यक्तित्व क्या पहले जान लेते हैं क्या होता है तो व्यक्तित्व परिवर्तन होता है व्यक्तित्व को परिवर्तन किया जा सकता है परिमार्जित किया जा सकता है गतिशील में किया जा सकता है लेकिन व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता कभी आप देखिए किसी का व्यक्तित्व स्थाई हो सकता है क्या जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्रौढ़ावस्था तक जीवन मृत्यु तक की बात करेंगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व तो स्थायी नहीं होता है कभी ना कभी चेंज होता रहता था तो परिवर्तन परिमाजित और गतिशील होता है ठीक है ना कि स्थायी होता है यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया इसलिए स्थायी नहीं होगा ठीक है एक टू क्वेश्चन हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा कि व्यक्तित्व तो जो है स्थायी नहीं होता है बाकी आपका व्यक्तित्व परिवर्तन परिमाजित और गतिशील रूप में होता है अगला जो प्रश्न दिया गया कि दैवी प्रवृत्ति होती दैवी प्रवृत्ति इदम अम में अहम में परहम में या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इद ईगो सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा फ्राइड महोदय का बात बात कर रहे हैं तो दैवी प्रवृत्ति जब होती है तो वह किस पर होती है अहम इद ईगो ईगो आपने पढ़ा होगा इद ईगो सुपर ईगो तो अहम पराहम तो अहम पर आ जाता है ठीक है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि असमान बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि जो है श्रेष्ठ होती है जी हाँ प्रयोगात्मक विधि बहिदर्शन विधि जीवन इतिहास विधि या विकासात्मक विधि देखिए आस आसमान बालकों के लिए यहाँ पे पूछा गया है तो असमान बालकों के लिए जो विधि श्रेष्ठ होती है वह होती जीवन इतिहास विधि क्या हो जाएगा जीवन इतिहास विधि जो है असमान बालकों के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वह कहलाती है जीवन इतिहास विधि लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे मैथेड की बात करेंगे गैरेट ने प्रेरक के कितने प्रकार बताए तीन प्रकार बताए हैं दो प्रकार चार प्रकार पांच प्रकार बताए सभी कमेंट कीजिएगा जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें ग्रहणी जिनका सपना है एक ही बार में बिल्कुल सेलेक्ट होना गवर्नमेंट टीचर बनना अध्यापक अध्यापिका बनना अपने सपने अपने माता पिता के सपने को साकार करना अपनी मेहनत को सकारात्मक रूप में बदलना सफलता के रूप में प्राप्त करना तो गैरेट ने प्रेरक के तीन प्रकार बताएँ गैरेट ने साथियों प्रेरक के तीन प्रकार बताए गैरेट के अनुसार जो है प्रेरक के तीन प्रकार होते हैं एक होता है जैविकी प्रेरक दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक और तीसरा होता है सामाजिक तो जैविकी मनोवैज्ञानिक सामाजिक ये तीन प्रेरक होते हैं अकॉर्डिंग टू गैरेट आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की नाच न जाने आंगन टेढ़ा निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति है प्रक्षेपण होगी तर्क संगतीकरण उद्यतीकरण या विस्थापन की बात करेंगे तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा तो कहीं ना कहीं ये जो उक्ति है ये प्रक्षेपण पर आ जाती है कि नाच नहीं जानता है और बोल रहा है आंगन टेढ़ा हम प्रवेशन नहीं करते हैं और बोलते हैं सिलेक्शन नहीं पाते हैं जब हम मेहनत नहीं करेंगे पढ़ेंगे नहीं स्टडी नहीं करेंगे सारी क्लास नहीं देखेंगे तो सिलेक्शन कैसे मिलगा तो ये प्रक्षेपण की बात हो जाती है ठीक है आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी किसने कहा जाम्स जॉन एडम्स ने जॉन डीवी ने अरस्तु ने या प्लेटो ने कहा था सभी बताइएगा तो शिक्षा को सर्वप्रथम जो है त्रिमुखी कहने वाले ठीक है किसने कहा है तो शिक्षा को त्रिमुखी कहने वाले और कोई नहीं हम बात करेंगे जॉन डीवी की बात करेंगे जी हाँ साथियों जॉन डीवी ने शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी रूप में कहा था अगला जो प्रश्न दिया गया है कि विकासात्मक विधि के कि, कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की तीन प्रकार की चार प्रकार की छः प्रकार की सभी बताइएगा जी हाँ विकासात्मक विधि का जिक्र हुआ है शायद हो सकता है यह प्रश्न आपने कभी ना फेस किया हो नब नाइन नब्बे परसेंट आपने यह प्रश्न फेस ना किया होगा ठीक है हो सकता दस परसेंट लोगों ने किया होगा तो विकासात्मक विधि के दो प्रकार होते हैं और ये खोज कर आपको बताना कि ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं जी हाँ है, विकासक विधि के दो प्रकार होते हैं लेकिन कौन कौन से होते हैं ये आपको अब खोज करके बताना है आपको फीडबैक करके बताना है ठीक है और ये भी अंत में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ थर्टी में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा ठीक है क्योंकि प्रिपरेशन को आपको यह बेहतरीन कर देता है कि आपकी ठीक है साइकोलॉजी में शिक्षा मनोविज्ञान की आपकी पकड़ कितनी है आपकी तैयारी आज की तैयारी कितनी है अगला प्रश्न है शिक्षा को द्विमुखी सर्वप्रथम किसने कहा जाम्स एडम्स ने डीवी ने अरस्तु ने या प्लेटो ने कहा था सभी बताइएगा बेहतरीन अंदाज के साथ फीडबैक कीजिएगा एनर्जी के साथ बिल्कुल तैयारी के साथ फीडबैक कीजिएगा तो शिक्षा को द्विमुखी सर्वप्रथम कहने वाले और कोई नहीं हम बात करेंगे जॉम्स एडम्स त्रिमुखी किसने कहा डीवी ने और द्विमुखी किसने कहा ये ध्यान दीजिएगा जॉन एडम्स की बात करेंगे नोट कर लीजिएगा और टॉप थर्टी प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि अभिप्रेरणा की प्राण वायु किसे कहते हैं तत्परता को परिपक्वता को जिज्ञासा को या उपरोक् सभी को कहते हैं जी हाँ एक बार और रिपीट करता हूँ अभिप्रेरणा की प्राण प्राण वायु किसे कहते हैं तत्परता को परिपक्वता को जिज्ञासा को या ये ये सभी को कहते हैं ये रहे आपके टॉप थर्टी क्वेश्चन टॉप थर्टी क्वेश्चन में आपका फीडबैक क्या है आपका स्कोर क्या है जरूर बताइएगा और इसके आने वाले जो प्रैक्टिस अभ्यास है मॉडल पेपर है प्रैक्टिस पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए से, क्योंकि सारे जो क्लास आने वाले सारे जो वीडियो आने वाले हैं ठीक है थीके? सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ वीडियो आने वाले हैं सिलेक्शन वाले प्रश्न आने वाले हैं संभावित प्रश्न आने वाले हैं मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों हमेशा हास मुस्कराते रहिए तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन एक सौ एक परसेंट यहाँ पर पक्का है जय हिंद वंदे माता